मंडला जिले में लगातार बारिश से हल्लो नदी उफान में है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने घर खाली कर दिया है। वहीं मोतीनाला थाना अंतर्गत हल्लो नदी के बीच स्थित तापू में खेती करने वाले एक महिला और एक पुरुष किसान फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए मंडला से SDERF की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दोनों को SDERF टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। बताया गया है कि कंजरिया जामुन टोला के किसान हल्कू पारधी एवं उसकी पत्नी प्यारी बाई दोनों चार टोला के पास मक्के की खेती करते हैं और वहीं रहते हैं। अचानक बारिश के कारण खेत के आसपास हल्लो नदी का पानी भर गया, जिससे वह लोग फंस गए थे। देखिए, थाना मोतीनाला और बालाघाट का थाना गढ़ी जो है उसके बीच में दो लोग आज फंस गए थे। तीन तरफ से वो पानी से घिर गए थे और यहाँ तक कि अलग अलग रास्ते जो हैं वहाँ तक पहुँचने के वो सब भी पानी से कट ऑफ हो गए थे। जब हमारी टीम को सूचना मिली तो हमारा थाना मोतीनाला का बल, जो SDERF की टीम थी, और थाना गढ़ी का भी हमने वहाँ पे फोर्स लिया था। इन सब की मदद से उन दोनों लोगों को सकुशल सुरक्षित वापस बाहर निकाल लिया गया है और अभी लोग सुरक्षित स्थान पर हैं। तो जैसे जैसे बाढ़ की स्थिति हो रही है, पूरा पुलिस बल उस पर लगातार निगाह बनाए हुए है और जो भी लोग जिनको मदद की आवश्यकता है पुलिस बल उनके लिए लगातार कार्यरत है। मंडला से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट।